मुकाबले काफी मजबूत कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले तीन चरणों में मतदान हो चुका है 302 सीटों के लिए और अंतिम तीन चरणों में 168 सीटों पर मतदान होगा। दिग्गजों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुभाष भामरे, एसएस अहलूवालिया, बाबुल सुप्रियो के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन जैसे कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा सीपीआई के कन्हैया कुमार, बीजेपी के बैजयंत पांडा, कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव, तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय और कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा सहित कई अन्य उम्मीदवार भी चौथे चरण में चुनाव में बड़े चेहरों में शामिल हैं। चौथे चरण के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। राज्य में विपक्षी कांग्रेस को उत्तरी महाराष्ट्र और मुंबई में अपना खोया जन समर्थन फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चुनौती कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है, खोया जनाधार वापस पाने की चुनौती है कांग्रेस के सामने। तो वही और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ उन्नाव से हमारे साथ तुषार श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, तो वहीं बांद्रा से हमारे साथ राहुल देव शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल देव शर्मा का रुख कर लेते हैं। राहुल, दिलचस्प मुकाबला है, महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में जहां कांग्रेस के सामने चुनौती है अपने खोए जनाधार को वापस पाने की, तो वहीं बीजेपी के सामने भी चुनौती है 2014 से बेहतर प्रदर्शन करने की। बिल्कुल, अगर जो हम महाराष्ट्र की बात करें तो आज 17 सीटों पर चुनाव हो रहा है और साल 2014 के नतीजों की बात करें तो 17 सीटों में से जो एनडीए गठबंधन है उसको 17 में से 17 सीटें मिली थी, यानी कि सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस था। और इस बार ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी और शिवसेना बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हम बता दें कि मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में, और यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये 7 बजे जैसे ही शुरू हुए मतदान, देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहां पर लंबी कतार लगी हुई है। मान लीजिए करीबन यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी के मुद्दे विकास हैं, उन सभी के मुद्दे राष्ट्रहित हैं और इन सभी के मुद्दे देशहित हैं। ये तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे, हमारे देश में विकास की जो रफ्तार है वो लगातार बनी रहे, फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर यहां पर सीनियर सिटीजन, हर कोई यहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह सुबह का वक्त है लिहाजा गर्मी से बचने के लिए भी लोग सुबह सुबह यहां पर लंबी कतारों में मौजूद हैं। हम उन लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अच्छा, सेकंड टाइम वोटर हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, बहुत लोग भी हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर, आप वोट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर आप आज मतदान कर रहे हैं? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। या या, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हियर व्हिच यू आर टेकिंग इन माइंड? द प्रॉब्लम्स इज द करप्शन। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप, एवरीथिंग इज गेट बीइंग वी आर हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। ओके, वेरी हैप्पी, थैंक यू। तो तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे। सर, क्या कहेंगे आप, आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, सुबह सुबह का वक्त है, सब लोग आ गए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप? प्रिविलेज, नो, इट्स अ प्रिविलेज टू वोट एंड डेवलपमेंट इज द रियल इशू, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, सो यू नो हु इज गोइंग टू गेट माय वोट।
थैंक यू। बिल्कुल, आप से जानना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे आप वोट करने आए हुए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखें कि आप वोट करेंगे? टू सी दैट कंटिन्यू रिमेंस बेटर। ओके सर, आप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के मुद्दे पर? बिल्कुल। अच्छा, और क्या कहेंगे आप? भाई जो सरकार ने अच्छा काम किया 5 साल से, मेरा मत तो उसी को जाएगा। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे हम। मैम, आप यहाँ पर वोट करने आई हैं, सुबह सुबह का वक्त है, क्या कहेंगी आप और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगी? प्रोग्रेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, थैंक यू। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम देश में विकास और एक स्थिर गवर्नमेंट देने के लिए आज वोट करेंगे। सुबह सुबह का वक्त है, सुबह 7 बजे जैसे ही यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हुई, लंबी कतारें हम जिस तरह से देखे, जाहिर सी बात है मुंबई में वोटिंग परसेंटेज साल 2014 की बात करें तो 60% रहा, लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लोगों में उमंग है, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर सीनियर सिटीजन, हर कोई यहाँ पर उत्सुक है। और बड़ी बात, अगर जो हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है, यहाँ पर दो पारिवारिक घरानों के बीच टक्कर है, एक तो दत्त परिवार और एक महाजन परिवार। प्रिया दत्त और पूनम महाजन यहाँ से उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर हम डेमोक्रेसी की इसकी खूबी कहेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम खड़े हैं वो भले ही प्रिया दत्त और पूनम महाजन का, लेकिन यहाँ पर वोट करने के लिए उर्मिला मातोंडकर आएंगे। उर्मिला मातोंडकर नॉर्थ की उम्मीदवार है और बांद्रा में उनका यहीं पर वोटिंग होना है, लगभग 8 बजे के आसपास उर्मिला मातोंडकर यहां पर पहुंचेंगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर जो हम बात करें तो यहां पर तमाम जो होमगार्ड्स हैं वो तैनात किए गए हैं, मुंबई पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। हम अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं, उनसे दिखाएंगे कि किस तरह से, यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है और तमाम बिल्कुल, बिल्कुल, लोग हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। भी हम अपने सुरक्षा व्यवस्था अगर जो हम पुलिस किस तरह से भारी सुरक्षा के बीच में सुबह सुबह ही लोग यहां पर भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या हाल है, ये भी हम जान लेते हैं। तुषार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपनी माँ का भी रेस्पेक्ट करते और भारत माता को भी रेस्पेक्ट करते, दोनों माँ का रेस्पेक्ट करते, इसीलिए आज भारत माता की झंडा और अपनी माँ का झंडा ऊपर रखा। चलिए, हमारे साथ थे गिरिराज सिंह हैं और अभी तुरंत वोट डाल के पहला वोटर। चलिए, तो गिरिराज सिंह यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तुषार श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। तुषार, पहली तस्वीर क्या कहती है उन्नाव में, क्या सुबह सुबह लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बांद्रा की तस्वीरें अभी हमने देखी हैं, भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं वोटिंग करने के लिए। तुषार, पहली तस्वीर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली तस्वीर जहां पर आप खड़े हैं, क्या कहती है? तुषार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम तुषार से, लेकिन हमारी बात यहां पर हो रही है मुंबई से राहुल देव से। राहुल, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सुबह लोग यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं, जिस तरह से आप यहां पर बता रहे हैं कि कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है प्रिया दत्त के बीच में और पूनम महाजन के बीच में। प्रिया दत्त के लिए लगातार उनके भाई यहां पर चुनावी प्रचार में उतरे हुए थे और संजय दत्त ने सभी से अपने अंदाज में प्रिया को वोट करने के लिए भी कहा। और यही वजह है कि मुंबई के वोटर जब आप वहां से शुरू से निकलते हैं देखने बिल्कुल अगर जो हम उसकी बात थोड़ी देर बाद करें तो सही होगा, क्योंकि हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन जुड़ गए हैं, ये फर्स्ट वोटर है इस काउंटर के, यहां पर जो वोटिंग सेंटर है उनके फर्स्ट वोटर है, और ये
सुबह 6:30 बजे यहां पर पहुंच गए थे और 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ और उन्होंने पहला वोटिंग इन्होंने कर दिया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या मुद्दे लेकर गए थे, ये सारी चीजें जानना चाहेंगे। व्यवस्थाएं किस तरह से सेंटर पर है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आपने यहाँ पर मताधिकार किया है। आपसे जानना चाहेंगे सर क्या मुद्दे लेकर आप यहाँ पर गए थे, जहन में क्या था और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? एक तो मैं बोलूं कि अभी मैं ये वोट देने के लिए बड़ौदा से ऑल द वे आया हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अभी बड़ौदा शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन वोट मेरे को करना ही था करके मैं बड़ौदा से ऑल द वे आया हूँ। और मेरा मुद्दा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट मेनली, भाई साहब ये मेरा ये है। सर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर आपने वोटिंग कर दिया, एक बार हाथ दिखा दीजिए हमारे जनता को। सर क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर गए थे मतदान किए, और सुरक्षा व्यवस्था और वीवीपैट की सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हाँ सभी मिल रही है, जो आपने बोला सभी सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, हाँ वेरी गुड। अच्छा क्या कहेंगी मैम आप? बहुत अच्छा है, इनका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगा वोट करके। अच्छा, वोटिंग आपने कर दिया, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? मुद्दे यही थे, एक तो राष्ट्रवाद और दूसरा टैक्स। अच्छा। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अच्छा अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर जो हम बात करें तो दो महिलाएं एकदम से आमने सामने हैं, दो परिवार हैं, दत्त परिवार एक महाजन परिवार, आपको इन दोनों के बीच कड़ी मुकाबला तो जाहिर सी बात है, क्या कहेंगी आप दोनों परिवारों को? परिवार जो है वो पूनम महाजन का ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और भी लोग हैं, अगर जो हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम से पुख्ता है। अगर जो हम अकेले मुंबई की बात करें तो मुंबई के लगभग 40,000 जवान जो हैं वो आज इलेक्शन ड्यूटी पर लगाए गए हैं। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और यहाँ पर जो आप तमाम लोग हैं वो देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने वोट कर दिया मैडम? क्या मुद्दे रहे आपके जब आप यहाँ पर आई थी? नहीं, जो मन में था कि जो सब अभी चल रहा है ना, वो जरा दूसरा कोई आएगा तो अच्छा करेगा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा चाहते हैं, विकास चाहते हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। आपके पास दोबारा हम लौटेंगे राहुल, लेकिन तुषार का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से हमारे साथ तुषार जुड़े हुए हैं और साथ ही बेगूसराय से अभिषेक चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से हमारे साथ दीपक खजूरिया जुड़े हुए हैं। तुषार, पहली तस्वीर क्या देखने को मिल रही है उन्नाव में? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और महागठबंधन तीनों के प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं और काफ़ी जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में 7 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। सभी लोग अपने आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड सबके साथ यहाँ पर आए हैं। लोगों में काफ़ी जागरूकता इस बार देखने को मिल रही है, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं लोगों से कि क्या किन मुद्दों पर आप इस बार वोट देने आए हैं? विकास के लिए। क्या चाहते हैं सर, किस तरह का वोट हो, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि मतलब हर चीज़ का विकास हो रहा है और आराम है, हर चीज़ में कोई तकलीफ नहीं है। पिछली बार के चुनाव और अब की बार चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है? अंतर साहब कुछ नहीं दिख रहा, अंतर यही दिख रहा है कि विकास बढ़े तो ज़्यादा ठीक है। उन्नाव की जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे किस तरह की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है? सर वो समस्याएं तो कोई नहीं है इस समय। आप बताइए क्या किस तरह की समस्या, क्या मुद्दा होगा इस बार वोट देने का? अरे मुद्दा सब ठीक है चल रहा है, हमारे लिए जो भी आ गया था आज भी जो सोच है वो ठीक ही है। बिल्कुल, विकास का एक अहम मुद्दा है यहाँ पे लोगों का, और भी कुछ महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। आई आप वोट देने सुबह से यहाँ पे लाइन में लगी, क्या मुद्दा है? जुड़े हुए हैं जम्मू से तुषार, आपके पास लौटेंगे। दीपक, अनंतनाग पर चुनाव हो रहा है, अनंतनाग सीट के लिए किस तरह की हलचल, किस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है?
अनंतनाग बहुत ही अहम सीट है और खास तौर पे जो है आतंकवाद ग्रस्त इलाका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली ऐसी सीट है ये पूरे देश की जिसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। तीन चरणों में इस पे चुनाव हो रहा है। जो पहला चरण था उसमें अनंतनाग जिले में चुनाव हुआ था, आज कुलगाम जिले का चुनाव है और उसके बाद शोपियां और पुलवामा जिले के लिए चुनाव किया जाएगा। और इससे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि PDP जहां अपनी जमीन तलाश रही है इन चुनावों में, BJP के साथ गठबंधन टूटने के बाद बहुत सारे उनके बड़े नेता पार्टी से बाहर हो गए थे। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बाद खुद से पार्टी की अध्यक्षा थी और उसके बाद से लेकर जिस तरह की लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी हुई, जिस तरह से बिगड़े बोल सामने आए महबूबा के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीट। अगर वह जीत कर आती हैं तो इस कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब हो पाएंगी, नहीं तो उनके लिए जमीन तलाशना बहुत दिक्कत हो जाएगी कश्मीर में भी। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार पिछले कुछ देर से PDP के बहुत बड़े नेता पार्टी से बाहर हुए हैं, बहुत सारे नेताओं को उन्होंने बाहर का रास्ता खुद दिखाया है और बिल्कुल लगातार जो है मोदी सरकार पर भी वे लगातार कटाक्ष करती रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला देखने को यहाँ पर मिल सकता है। आपने मतदाताओं से भी बातचीत की होगी, मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों के साथ वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? अंकिता, हम अभी अभी वोटिंग शुरू हुई है, हालांकि हम जम्मू के नगरोटा इलाके में हैं जहां पर कश्मीरी पंडित विस्थापित जो कुलगाम से विस्थापन करके करीबन 3 दशक पहले जम्मू आए थे, वह वहां पर यहां पर वोट कर रहे हैं। हमारे साथ एक दो वोटर भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं किस आधार पर उन्होंने वोट किया है। आपका नाम? जवाहरलाल शर्मा। जी, किस इलाके के रहने वाले हैं आप? कुलगाम के? हम देवसर इलाके के रहने वाले। आपने जब वोट किया है, आज अभी शुरुआत हुई है और अभी इक्का दुक्का ही वोटर बाहर निकल रहा है, किस आधार पर वोट किया है आपने? हमने अपनी देश की रक्षा के आधार पर वोट डाला है और अपने देश की मान को बढ़ाने के लिए हम मोदी सरकार को बुलाने चाहते हैं। अंकिता, आप देखिए कि देश के मान को बढ़ाने के लिए, देश के लिए वोट करना, अगर कश्मीर के लोग भी यही बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश की बात जो है इन चुनावों में बहुत देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम ये जानना चाहेंगे, मगर अभी वे वोट करने जा रहे हैं, अभी बात नहीं करना चाहते। एक हमने वोटर से भी बात की है, इक्का दुक्का वोटर अभी बाहर निकला है, फिलहाल ज्यादा भीड़ देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है, मगर बड़ी बात यही है कि आतंकवाद ग्रस्त जिस इलाके को लेकर पूरे देश में चुनाव प्रचार हुआ है, पुलवामा को, अनंतनाग को, जहां की लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं, कोई भी बड़ी पार्टी हो उसने आतंकवाद का जिक्र इस बार चुनाव प्रचार में जरूर किया है, उसी इलाके के लिए, अनंतनाग के लिए जो चुनाव हो रहा है वहां पर भी बड़ा मुद्दा जो है वह देश की रक्षा या आतंकवाद ही है। दीपक, सबसे संवेदनशील लोकसभा सीटों में से एक है अनंतनाग। पहले चरण की हम यहां पर बात करें तो जो असामाजिक तत्व है उन्होंने शांति भंग करने की कोशिश यहां पर की थी और उसके लिहाज से इस बार किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है पूरी तरह से। इसी कारणवश जो है चुनाव आयोग ने इस सीट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। पिछले चरण में अनंतनाग जिले के लिए वोट हुआ था, आज कुलगाम जिले के लिए वोट हो रहा है और इसके बाद जो अगला फेज रहेगा उसमें पुलवामा और शोपियां के लिए वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ही इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया था क्योंकि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें कुल मिलाकर 4 जिले आते हैं और 4 जिले ऐसे हैं जहां पिछले करीबन, अगर हम पिछले 4-5 साल भी कश्मीर की आतंकवाद के देखें तो वहां पर जो सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं वे इसी इलाके में हुई हैं। 14 फरवरी को जो पुलवामा का बड़ा हमला हुआ था वह भी अनंतनाग सीट के तहत ही वह इलाका आता है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हालांकि जो पहला फेज, इससे पिछले फेज में जो चुनाव हुआ था उसमें भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको पूरा क्रेडिट जाता है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए चुनाव हुआ था। हालांकि बहुत कम मतदाता निकला था घर से बाहर वोट करने को, केवल 15% के करीब जो है वोट डाले गए थे और ऐसी इतनी ज्यादा आज भी कोई कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं देखी जा रही। अगर अनंतनाग के कुलगाम इलाके की भी बात करें और कुलगाम इलाके के बहुत सारे जो है कश्मीरी पंडित हैं वे जम्मू में रहते हैं, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म अभी देखने को नहीं मिल रहा। दोपहर होते होते शायद कुछ लोग बाहर आए और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकेली सीट है देश में जहां पर केवल 4 बजे तक मतदान होगा। अमूमन जो है 6 बजे तक मतदान का जो समय रहता है, मगर सुरक्षा के लिहाज से ही इसको 2 घंटे किया गया है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए दीपक। साथ ही साथ बिहार की 5 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है, वहां की स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है इन 5 सीटों पे, वो भी हम जान लेते हैं। अभिषेक चंद्रा बेगूसराय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बेगूसराय की हम यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। बेगूसराय
जो क्षेत्रफल के लिहाज से और मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा माना जाता है। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए देश भर में जिन 71 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा अगर चर्चित किसी एक सीट को हम कह सकते हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो बिहार का जो बेगूसराय सीट है वो है। हम फिलहाल मौजूद हैं बेगूसराय के बीहट गांव में। बीहट वही गांव है जो कि कन्हैया कुमार का गाँव है और कन्हैया कुमार के घर के बगल के बिल्कुल बाजू के बगल का जो पोलिंग स्टेशन है हम वहाँ पर मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि एक अपना वो पीछे का नज़ारा दिखाएँ, अगर आप पीछे साफ तौर पे देख पाएं तो इस पूरे के पूरे प्रीमाइसेस में चार पोलिंग स्टेशन है, चार पोलिंग बूथ आप साफ तौर पे देख रहे हैं, पूरी नेशनल मीडिया यहां पर मौजूद है और लंबी लंबी कतार में इन चारों पोलिंग स्टेशन पे लोग जो हैं सुबह के 6 बजे से आना शुरू हो गए थे। ये वो तमाम लोग हैं जो कि कन्हैया कुमार के गांव बीहट से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रही हैं। हमारे साथ एक दादी मां आई हैं, आप ये बताइए दादी जी कि आप इतनी सुबह सुबह वोट देने के लिए आई हैं, क्या आपके मन में है वोट देने के लिए? अब जिसको अपने मन में है उन्हीं को देंगे और जो देश के लिए मर रहे हैं कर रहे हैं हम उन्हीं के पक्ष में, जो देश के लिए कर रहे हैं मर रहे हैं आप उन्हीं के लिए वोट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा जज्बा है आपका, हम आपके जज्बे को सल्यूट करते हैं। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग महिला हैं, 80 से ऊपर की होंगी, ये आज वोट करने आई हैं, सुबह सुबह अपना मताधिकार प्रयोग करने आई हैं, कहीं ना कहीं देश को लेकर जज्बा है, इसीलिए बेगूसराय के बीहट के इस पोलिंग स्टेशन पे वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आई हैं। हमारे साथ जीवेश मौजूद हैं, जीवेश हमारे बेगूसराय के स्थानीय रिपोर्टर हैं, पैनी पकड़ रखते हैं हम, जीवेश से भी समझेंगे कि आखिर क्या यहाँ के राजनीतिक मुद्दे हैं। जीवेश, बेगूसराय को आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, ये बताइए क्या राजनीतिक मुद्दे हैं जो कि आज के चुनाव में हावी हैं? देखिए मोटा मोटी यहाँ ये है कि शिक्षा और किसान, शिक्षा विकास किसान और ये क्या कहते हैं व्यवसाय, इसमें विकास विकास तमाम विकास के मुद्दे यहाँ पे हैं, लेकिन बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है लेकिन अब तक इस पर कोई मान लिया पहल नहीं। इस बार भी कन्हैया के आने से इस बार बेगूसराय की लड़ाई कितनी दिलचस्प हुई है? इस बार काफी दिलचस्प हुई है क्योंकि कन्हैया एकमात्र ऐसा लड़का है जिसने क्या नाम है अपने मुद्दे को बार बार उठाया है और सारी पार्टियां भी है जो अपने मुद्दे को रखती थी, इसने बखूबी मुद्दे को उठाया है और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ यहाँ है और पहले भी भीड़ हुआ करती थी लेकिन इस बार जो मतदाताओं की जागरूकता देखने को मिल रही है वह पहले कभी नहीं देखने को। बिल्कुल, उत्साह तो जरूर है, सुबह 6 बजे से इन चारों पोलिंग स्टेशन पे जहां हम देख करके आए हैं लंबी कतार लगी हुई थी। एक हर पोलिंग स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो एक सेपरेट क्यू जो है मेल वोटर्स की है, यानी पुरुष वोटर्स की है। वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना वोट कास्ट। मैं ये कोशिश मैंने करना चाह रही हूँ कि अब ये लोग सब निकलेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकालने का काम करेंगे। वैसे मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इस पिछले एक महीने से सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है और मुझे मालूम है कि सब लोग सुबह जल्दी उठ के उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर सब लोगों को उठाना, उन लोगों को पोल के लिए तैयार करना, वो भी आज दिन भर उन्होंने शुरू किया। 6 बजे तो सब लोग बिजी हैं और मैं समझती हूँ कि शाम के 6 बजे तक कार्यकर्ता फील्ड में होंगे। टेम्परेचर ज्यादा क्योंकि गर्मी है और 42 डिग्री टेम्परेचर होगा। होपफुली मैं तो हम लोगों ने भी ये कोशिश की है कि टेंट लगाया जाए